साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हालांकि अब भी पूरा सच किसी को नहीं पता। आखिर उस दिन क्या हुआ था, उन 24 घंटों में क्या हुआ था। लेकिन इस बीच जो नया खुलासा हुआ है वो हैरानी भरा है, चौंकाने वाला भी है, क्योंकि उन्हीं 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ था। 24 घंटे पहले बहुत कुछ हुआ था। जी हाँ, 2 सितंबर की सुबह सुबह जब सिद्ध का निधन हुआ था तो उससे 24 घंटे पहले यानी कि 1 सितंबर की सुबह ही बहुत कुछ हो चुका था। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 1 सितंबर को ही सिद्धार्थ शुक्ला खत्म हो चुके थे। अब क्या है इस खुलासे के पीछे, कैसे थे वो आखिरी 24 घंटे और हर घंटे में सिट के साथ क्या हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सच तो यही है कि सिद्धार्थ के साथ कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। और ये भी सच है कि सिद्धार्थ को बचाया भी जा सकता था वक्त पर अगर इलाज मिल जाता। अब इस बीच सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी 24 घंटे की पूरी रील निकलकर सामने आ गई है, जिसे देखने के बाद जानने के बाद यही लगता है कि क्या परिवार को बहुत पहले ही बहुत कुछ पता था, क्या 24 घंटे पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला खत्म हो चुके थे। तो आप भी सिलसिलेवार तरीके से इसे देखिए और समझिए। 1 सितंबर सुबह 6:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला हर रोज सुबह 6 से 6:30 के बीच में उठते थे और 1 सितंबर को भी सिद्धार्थ सुबह 6:30 बजे सोकर उठे। सिद्धार्थ कभी भी 6.5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेते थे और रात को 12 बजे के आसपास सोने के बाद सुबह 6 से 6:30 के बीच में उनकी सुबह हो जाती थी और 1 सितंबर को भी यही हुआ। 1 सितंबर सुबह 7 बजे सिद्धार्थ ने गर्म पानी के साथ नींबू लिया और 1 कप ग्रीन टी भी ली। हालांकि सिट को दूध वाली चाय काफी पसंद थी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने दूध वाली चाय पीना बंद कर दिया था क्योंकि उनके ट्रेनर ने उन्हें डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहने को कहा था और इसीलिए वो ग्रीन टी लेना शुरू कर चुके थे। 1 सितंबर सुबह 7:30 बजे अब सुबह 7:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने मिचली आने की बात कही थी। जी हाँ, जिस वक्त अगले दिन यानी कि 2 सितंबर को डॉक्टर्स ने अस्पताल में सिट के निधन का ऐलान किया, उससे ठीक 24 से 26 घंटे पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने मिचली यानी कि वोमिटिंग की बात कही थी और सिट को परेशानी यानी कि शुरू हो गई थी। और 2 सितंबर नहीं बल्कि 1 सितंबर की सुबह ही सिद्धार्थ शुक्ला की परेशानी शुरू हो गई थी। 1 सितंबर सुबह 8 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने फ्रेश होने के बाद गर्म और कड़क चाय पी। जी हाँ, दूध वाली चाय सिद्धार्थ शुक्ला ने यहाँ पर पी। हालांकि वो दूध वाली चाय छोड़ चुके थे, लेकिन 1 सितंबर की सुबह 8 बजे सिद्धार्थ ने वो दूध वाली चाय पी क्योंकि सिद्धार्थ को ठीक नहीं लग रहा था और घर में मौजूद शहनाज गिल को उन्होंने ये बताया था कि उनका मन खराब हो रहा है। और तब शहनाज ने सिट को कहा था कि 1 कप कड़क चाय पी लो तो मन और मूड दोनों ठीक हो जाएगा और सिद्धार्थ ने वही किया। सिद्धार्थ शुक्ला ने 1 कड़क चाय पी और चाय के साथ हल्का नाश्ता भी लिया जो कि सिद्धार्थ सुबह ही कर लेते थे। 1 सितंबर सुबह 9:30 बजे अब सुबह करीब 9:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने फिर से मन नहीं लगने वन में उचाट होने की बात कही थी। जी हाँ, 2 सितंबर की सुबह 10:30 बजे से ठीक 24 से 25 घंटे पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने जी घबराने मन नहीं लगने की बात कही थी। अब ये वक्त सिद्धार्थ के वर्कआउट का होता है। सिद्धार्थ सुबह 9 से 12 या फिर 10 से 12 के वक्त में वर्कआउट करते थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस दिन यानी कि 1 सितंबर की सुबह सिद्धार्थ शुक्ला वर्कआउट के लिए गए नहीं बल्कि घर में ही आराम करने लगे। अब अमूमन कभी सिद्धार्थ वर्कआउट के लिए नहीं जाते थे तो घर पर एक्सरसाइज करते थे, लेकिन उस दिन ऐसा भी नहीं था। सिद्धार्थ ने घर पर भी एक्सरसाइज नहीं की। 1 सितंबर सुबह 10 बजे अब सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला इस वक्त अपने बेडरूम में जा चुके थे, वो लेट गए थे। उन्होंने घर में मौजूद लोगों से फिर कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और आराम करना चाहते हैं और इसीलिए आज कहीं नहीं जाएंगे, तो घर वालों ने भी उनकी बात मान ली।
अब शहनाज गिल को अपने किसी अपॉइंटमेंट के लिए जाना था और वो जा चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला की माँ रीता शुक्ला भी अपने फ्लैट में मौजूद थी और सिद्धार्थ इस वक्त घर में अकेले थे। लेकिन सेट की दिक्कत शुरू हो चुकी थी, बढ़ना शुरू हो गई थी, यानी कि 24 घंटे पहले, जी हाँ, निधन से 24 घंटे पहले सेट की परेशानी बढ़ना शुरू हो गई थी। और सिद्धार्थ वो बात सभी को बता भी चुके थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अब आगे देखिए, 1 सितंबर दोपहर 1:30 बजे, करीब 3 घंटे तक सिद्धार्थ शुक्ला अकेले घर में थे। वो परेशान होते रहे होंगे, आराम करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन हो सकता है उन्हें आराम नहीं मिला होगा। और इसीलिए सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को फोन किया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक ये भी कॉल डिटेल से निकल कर आया है कि दोपहर 1 बजे के आसपास सिड ने शहनाज को फोन किया और घर पर वापस आने को कहा। दोपहर करीब 1:30 बजे शहनाज गिल वापस घर पहुंच गई और सिद्धार्थ से हालचाल पूछा। अब यहां पर समझने वाली बड़ी बात यह है कि अमूमन सामान्य घरों में हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावना के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता है, और हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर में भी यही हुआ हो। न सिद्धार्थ न ही उनके घर वाले तैयार थे, लेकिन यहाँ पर तो 24 घंटे पहले ही सिट को दिक्कत शुरू हो गई थी। अलार्म बॉडी ने देना शुरू कर दिया था, लेकिन सभी अपने काम में बिजी थे। यहां तक कि खुद सिद्धार्थ शुक्ला को भी ये नहीं लगा कि अस्पताल चलना चाहिए। सिड और नाज दोनों ने इसे ज्यादा काम की थकान, वर्कलोड ज्यादा होने की थकान को मानते रहे। 1 सितंबर दोपहर 3 बजे सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत ठीक नहीं थी, सिड अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे और सिद्धार्थ को 1 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे एक मीटिंग के लिए जाना था। अब यहाँ पर समझिए, शहनाज गिल सिद्धार्थ को कहती रही, मनाती रही कि उस मीटिंग को स्किप कर दे, आज आराम कर ले, कल या फिर परसों या फिर किसी और दिन इसे रिशेड्यूल कर ले। लेकिन सिद्धार्थ अपने काम को लेकर डिवोटेड थे, काम से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे और ऊपर से महत्वाकांक्षी भी थे और अपने काम को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना चाहते थे। और हुआ भी यही, 1 सितंबर दोपहर 3:30 बजे दोपहर 3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला अपने उस खास मीटिंग के लिए चले गए। अब सिद्धार्थ शुक्ला की हालत ठीक नहीं थी। जी हाँ, 2 सितंबर को जब सिट का सुबह सुबह निधन हुआ तो उससे ठीक 24 घंटे पहले से ही सिद्धार्थ के सिम्टम्स आना शुरू हो चुके थे। सिट को परेशानी शुरू हो चुकी थी, लेकिन न तो सिद्धार्थ इसे सीरियसली ले रहे थे और न ही परिवार का कोई और सदस्य इसे सीरियसली मान रहा था। यानी कि 24 घंटे पहले ही सिट की मौत की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी, सब कुछ तैयार हो रहा था, लेकिन किसी को भनक नहीं हो रही थी। लेकिन सिड मौत के मुंह में हर घंटे हर पल धीरे धीरे समा रहे थे, मौत की तरफ आगे बढ़ रहे थे और इस मीटिंग ने उसमें आखिरी कील भी ठोक दी। अब उस मीटिंग में क्या हुआ, किसके साथ ये मीटिंग हुई, ये अभी भी पूरी तरह से जांच का विषय है। इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है, इसके बारे में भी कोशिश की जा रही है, बहुत जल्द इसका भी पता लगेगा। लेकिन एक तरह से 24 घंटे पहले ही सिद्धार्थ की मौत तय हो चुकी थी और किसी को भी इसका एहसास नहीं था। अब आगे देखिए, करीब 5 घंटे तक घर से बाहर रहने के बाद रात को 8:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला घर लौटे और तब वो ज्यादा थके हुए थे, उनकी हालत और ज्यादा खराब थी। लेकिन फिर भी वो वर्कआउट या फिर काम से समझौता नहीं कर रहे थे। सुबह का वर्कआउट स्किप हो चुका था, इसीलिए शाम का वर्कआउट वो स्किप नहीं करना चाहते थे, लेकिन यही उनके लिए जहर का काम कर रहा था। 1 सितंबर रात 8:30 बजे 1 सितंबर की रात 8:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला किसी काम के बाद अपने घर लौटे और उसके बाद तुरंत शावर लेकर सिद्धार्थ सीधे ही रनिंग के लिए चले गए। जी हाँ, इन दिनों सिद्धार्थ सुबह जिम में वर्कआउट करते थे और शाम को रनिंग करते थे और उनके ट्रेनर का कहना है कि सिद्धार्थ का वजन बढ़ रहा था और वो अपना पेट कम करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे थे और रनिंग करने लगे थे। 1 सितंबर रात 10:30 बजे करीब 2 घंटे की रनिंग के बाद सिद्धार्थ शुक्ला रात को 10:30 बजे घर पहुंचे और उस वक्त घर में सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला के साथ शहनाज गिल भी थी। जी हां, उसी 1204 नंबर के फ्लैट में शहनाज गिल भी मौजूद थी और ये पूरी तरह से कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं। 1 सितंबर रात 11:00 बजे रनिंग के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बार फिर शावर लिया और करीब 11:00 बजे ड्राइंग रूम में आए, जहां उनकी मां रीता शुक्ला और शहनाज गिल बैठे हुए थे। अब यहां पर सिद्धार्थ ने पहली बार बेचैनी की शिकायत की। जी हां, सिद्धार्थ शुक्ला ने रात 11:00 बजे बेचैनी अनइजीनेस की शिकायत की और सिद्धार्थ की मां ने उन्हें बेडरूम में जाने को कहा। 1 सितंबर रात 12:00 बजे
सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को डिनर नहीं किया क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। सिद्धार्थ की माँ रात के करीब 12 बजे सिद्धार्थ के लिए कुछ फ्रूट्स और छाछ लेकर आई। सिद्धार्थ ने कुछ फ्रूट्स भी खाए और एक गिलास छाछ भी पी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को आराम नहीं मिल रहा था। सिद्धार्थ की माँ ने उन्हें फिर से कहा कि वो सो जाए, आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करे, और सिद्धार्थ ने वही किया जो उनकी माँ ने कहा था। 2 सितंबर सुबह 1:30 बजे। अब रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग चुका था, लेकिन सिद्धार्थ की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी और सिद्धार्थ को नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 1:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला की माँ अपने फ्लैट में चली गई। सिद्धार्थ की माँ उसी बिल्डिंग में 6वें फ्लोर पर रहती हैं और वो सिद्धार्थ और शहनाज को सोने के लिए बोलकर अपने फ्लैट में चली गई, लेकिन वहां सिद्धार्थ को चैन नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला लगातार बेचैन हो रहे थे। 2 सितंबर सुबह 3:30 बजे। अब सुबह करीब 3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को बताया कि उनकी बेचैनी बढ़ रही है, उन्हें उलझन हो रही है और सीने में दर्द हो रहा है। जी हाँ, पहली बार रात 3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने सीने में दर्द की शिकायत की थी। अब सिद्धार्थ की हालत देखकर शहनाज गिल घबरा गई और शहनाज ने तुरंत ही सिद्धार्थ की माँ रीता शुक्ला को फोन किया और उन्हें आने को कहा। सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला भी तुरंत ही फ्लैट में पहुंच गई और सिद्धार्थ को देखा, और सिद्धार्थ की मां ने उन्हें रात 3:30 बजे पानी दिया और आराम करने को कहा। सिद्धार्थ की मां ने कहा कि आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। 2 सितंबर सुबह 4:00 बजे। अब मां की बात सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला चुपचाप सो गए। शहनाज गिल की हथेलियों में सिर रखकर सिद्धार्थ सो गए। हालांकि उनकी दिक्कत बहुत ज्यादा थी, लेकिन मां की बात मानकर सिद्धार्थ ने उसके बाद कोई शिकायत नहीं की, कोई बात नहीं की, चुपचाप सो गए। और सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता भी अपने फ्लैट में वापस चली गई। शहनाज गिल का कहना है कि वो इस दौरान टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ को परेशानी होगी इसीलिए चुपचाप बैठी रही, क्योंकि सिद्धार्थ उनकी हथेलियों में सो रहे थे और सिद्धार्थ वैसे ही सोते रहे और इस बार सिद्धार्थ शुक्ला को नींद आ चुकी थी। 2 सितंबर सुबह 5:30 बजे। अब इस दौरान शहनाज गिल को भी थोड़ी सी आंख लग गई और सुबह करीब 5:30 बजे उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ का पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। सिद्धार्थ जैसे लेटे हुए थे उसी पोजीशन में अब भी थे, यानी कि अंधेर हो चुका था और इसका अंदाजा शहनाज गिल को भी हो गया था। शहनाज ने तुरंत ही सिद्धार्थ की मां को फोन किया और पूरी बात बताई। सिद्धार्थ की मां उसी बिल्डिंग में रहने वाली सिद्धार्थ की बहन को लेकर तुरंत ही 1204 फ्लैट में पहुंची और सिद्धार्थ को देखा। 2 सितंबर सुबह 6:00 बजे। सिद्धार्थ शुक्ला का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। माँ और बहन ने नाड़ी चेक की, सांसें चेक की, तो उन्हें भी अनहोनी की आशंका हो चुकी थी, लेकिन आंसुओं को रोक लिया क्योंकि उम्मीद बची हुई थी। तुरंत ही फैमिली डॉक्टर को फोन किया गया और उनका इंतजार किया गया। 2 सितंबर सुबह 7:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली डॉक्टर घर में पहुंचे। उन्होंने सिद्धार्थ को चेक किया, हालांकि डॉक्टर भी जान चुके थे कि सिद्धार्थ ने दुनिया छोड़ दी है, लेकिन फिर भी अस्पताल लेकर जाने को कहा। और कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंची और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अस्पताल ले जाया गया। 2 सितंबर सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और इसकी जानकारी मीडिया के साथ सभी लोगों को भी दे दी गई, यानी सिद्धार्थ के साथ हुए अंधेर का पता सभी को चल चुका था। अब यहाँ पर रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक के 7 घंटे की जिंदगी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बेहद अहम रही, और हम तो ये कहेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला को बचाया जा सकता था। सिद्धार्थ ने रात 10:30 बजे बेचैनी की पहली शिकायत की, 11 बजे फिर शिकायत की, रात को 12 बजे 1:30 बजे बेचैनी और उलझन की शिकायत करते रहे, सुबह 3:30 बजे सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की, लेकिन एक बार भी किसी ने भी क्यों अस्पताल लेकर जाने के बारे में नहीं सोचा, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला की कंडीशन सभी जानते थे और रात में भी सिद्धार्थ की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, उनकी बेचैनी, उनका दर्द लगातार बढ़ रहा था। अब हम किसी पर शक नहीं जता रहे हैं, लेकिन लापरवाही जरूर हुई है, और अगर रात को 11 बजे ही सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल पहुंचाया जाता तो पूरी तरह से सिद्धार्थ को बचाया जा सकता था और सिड हमारे बीच होते, जिंदा होते। कोई माने या ना माने, लापरवाही तो हुई है और बहुत बड़ी लापरवाही हुई है जिसने सिद्धार्थ शुक्ला को दुनिया से छीन लिया। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता सिर्फ पछतावे के अलावा। काश सिद्धार्थ की माँ और शहनाज गिल उन्हें रात को ही अस्पताल लेकर गई होती। वो तो बेचारा बताता रहा कि वो ठीक नहीं है, उसे दिक्कत है, लेकिन फिर भी उसे अस्पताल लेकर जाकर जिंदगी नसीब नहीं हुई, बल्कि उसे मौत के आगोश में सुला दिया गया।
लापरवाही बहुत बड़ी है और जिंदगी भर उनके दिल में शूल की तरह चुभती रहेगी, क्योंकि सिद्धार्थ बच सकता था, उसे बचाया जा सकता था। तो आपका क्या कहना है, आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।